और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से खबर, जहां चिकित्सा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। यहां चिकित्सा विभाग की टीम ने ओपी मोदी क्लिनिक पर कार्रवाई की है। दरअसल क्लिनिक पर अवैध गर्भपात कराने की तैयारी चल रही थी, जहां 5.5 महीने की गर्भवती अविवाहिता के गर्भपात की तैयारी थी। टीम में सीएमएचओ देवेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह शेखावत ने एमपीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की, जहां इस मौके पर जायजा लिया फर्स्ट इंडिया के संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। बीकानेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एमटीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कल से ही यहाँ सीएमएचओ और जो कोऑर्डिनेटर है महेंद्र सिंह, वो लगातार सक्रिय थे। आज उसका कहीं ना कहीं असर आया। सबसे पहले हम सीएमएचओ देवेंद्र हुड्डा से जानते हैं, साहब ये अवैध गर्भपात जिस तरह से हो रहे थे, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आपकी? लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर हमने डेक्वे को भेजा था और उसके बाद हम पता लगा कि यहाँ पर कोई नाबालिग बच्ची है जिसका अवैध रूप से गर्भपात कराया जा रहा है। इसी के तहत हमने इसका इंस्पेक्शन किया और आगे कार्रवाई जारी है। कार्रवाई जारी है। महेंद्र सिंह जी कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो पीसीबी एंटिटी में कार्रवाई करते रहे, आप क्या कहेंगे, किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि रात से ही आप लोग सक्रिय थे? हम लोग इसमें सक्रिय हैं और ये एक नाबालिग बच्ची जो 5.5 महीने की, जिसका गर्भ है और ये सेंटर अनरजिस्टर्ड है, एमटीपी के लिए अधिकृत नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी राशि लेके इसका एबॉर्शन करने के लिए हाँ भरी और पैसे इन्होंने ले लिए और उस बच्ची को जो पिल्स इन्होंने खिला के एबॉर्शन के लिए तैयारी इन्होंने ओटी में की थी। इस दरमियान पीबीआई थाने की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम साहब के नेतृत्व में हम यहाँ पहुंचे, हमने इसको रोक लिया। इसी तौर पर जान को भी खतरा था बच्ची के? बिल्कुल, जान को खतरा था, क्योंकि 5.5 महीने की जो प्रेगनेंसी उसमें अगर एबॉर्शन करते हो तो वो उसकी जान लेवा हो सके। क्या कितने पैसे लिए होगा लगभग? इन्होंने 20,000 के लिए कह रहे हैं, उसके जो पापा फादर उसके साथ में, उन्होंने कहा 20,000 रुपए हमने डॉक्टर साहब को इस काम के लिए दिए। तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, धरती के भगवान कहलाते हो, क्या कर रहे हैं आप? किसके लिए पूछ रहे हो? ये जो घटना हुई है, ये जो पेशेंट, आपका क्लिनिक है ये, आप अंदर आइए, पेशेंट को दिखाता हूँ, पेशेंट के दर्द चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अवैध गर्भपात तो गलत है ना? ये मैरिज सर्टिफिकेट देख के तो किसी पेशेंट को देखते नहीं है हम। ये तो टोटली गलत है, अवैध गर्भपात तो होना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ गर्भपात का सामान अलग होता है, मैं आपको गर्भपात का सामान दिखाऊं? चलिए खैर, ये सफाई थी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर यहाँ पर टीम की तारीफ करनी होगी। कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, पुलिस की यहाँ पर मदद ली गई है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।